अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग इसलिए कह रही हूँ कि आज सुबह ब्लॉगिंग कर रही हूँ और मैंने सोचा कराची का मौसम इतना हसीन, इतना खूबसूरत है तो क्यों ना ब्लॉग का आगाज़ सुबह के मंजर से किया जाए। और आज सुबह से कराची में हो रही है सर्दियों की बारिश, पहली बारिश। आई होप आप सब इंजॉय कर रहे होंगे, मैं तो बहुत इंजॉय कर रही हूँ। सुबह से ही सारे काम वाम कर लिए एंड ये जो बारिश की खुशबू होती है ना, जो सीढ़ियों पर पानी जब गिरता है और आती है, मिट्टी की जो खुशबू होती है ना, आई जस्ट लव दैट। पता नहीं क्यों, शायद मुझे ऑब्सेशन है या और भी किसी लोगों का हो है, काफ़ी लोगों को होता है लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा है। तो मेरे टेरेस से ये व्यू आता है ना, मतलब मुझे ये अच्छा लगता है, वो देखें बिल्डिंग्स वगैरह सब दूर दूर नज़र आ रही होती है, मैं बस ये सब खड़े होकर इन्जॉय करती हूँ। मुझे बहुत मज़ा आता है हर मौसम इन्जॉय करने का। हर मौसम से मुराद बारिश हो, ठंड हो, अंधेरा अंधेरा सा हो। अभी भी बारिश हो रही है, कैमरा कैप्चर कर रहा है लेकिन देखें हो रही है बारिश अभी भी स्टिल, और काफ़ी अंधेरा हुआ है। आप सब भी इन्जॉय कर रहे होंगे। और अब मैं सोच रही हूँ, मम्मी बना रही हैं पूरी और तरकारी घर पे, लेकिन हल्की हल्की ना लग रहा है इसमें ना, जो बिजली आसमान पर कड़कती है वो मेरा कैमरा कैप्चर कर रहा है लेकिन आ नहीं पा रही उस तरह से, एक लाइट सी आपको फील हो रही होगी। मुर्गे की बांग भी आ रही है फिर आप लोगों को सुबह का मंजर इन्जॉय करवा रही हूँ। तो अम्मी बना रही हैं पूरी तरकारी एंड शी सेइंग कि तुम लोग यहीं आके नाश्ता कर लो। तो अभी सोचा जा रहा है कि जाया जाए ना जाया जाए, तो मैं सोच रही हूँ चली जाऊँ, क्योंकि इस मौसम में ना, मौसम के पकवान ना खाए तो क्या खाया, थोड़ा सा हाँ बारिश में भीग गए, बच्चे बाहर इंजॉय कर रहे हैं, एक आध बच्चा नज़र आया मुझे चला गया, अच्छी खासी बारिश हो रही है, मोबाइल मेरा भीग जाएगा। तो अभी जो है मैं जा रही हूँ वहाँ नाश्ता करने, और मैं अगर पूरी तरकारी खाऊंगी तो आई विल शेयर विद यू गाइस टू, और फिर देखते हैं आज सारा दिन क्या करते हैं, इस मौसम को कैसे इन्जॉय करते हैं। अच्छी खासी बारिश शुरू हो गई है एंड सी आई जस्ट लव दिस वेदर, आई जस्ट कांट टेल यू, बहुत मज़ा आ रहा है मुझे, बहुत तेज़ हो गई है बारिश। ऐसी तेज़ हो चुकी है बारिश और देखें सब अपने यहाँ इन्जॉय कर रहे हैं छतों पर आकर, बच्चे भी। कैमरे में नहीं आ रही उस तरह से लेकिन अच्छी खासी हो रही है, पता नहीं कैमरा बारिश को उस तरह कैप्चर क्यों नहीं करता, धुआंधार बारिश हो तो कैप्चर हो जाती है। चलिए जी, अब हम जा रहे हैं नाश्ता करने, आ रही है देखें सी, सच अ लवली वेदर गाइस। आप सब भी पकौड़े बनाओ, हलवा पूरियाँ बनाओ, कचौरियाँ बनाओ और इन्जॉय करो, मेरे साथ शेयर भी करो कि आप लोग सब क्या क्या कर रहे हो। पहुंच गए अम्मी के घर नाश्ता इंजॉय करने। मौसम का मज़ा जो है ना, सबके साथ मिलकर आता है, अकेले क्या इंजॉय करें। और यहाँ अम्मी बना रही थी गर्मा गर्म पूरियाँ, अम्मी की पूरियाँ बहुत सॉफ्ट होती हैं। इंशाल्लाह किसी दिन कोशिश हुई मेरी और मौका हाथ लगा तो मैं ज़रूर आप लोगों को दिखाऊंगी कि अम्मी किस तरह बनाती हैं। सॉफ्ट पूरी मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है, किसी को क्रिस्पी अच्छी लगती है, अपनी अपनी चॉइस होती है। और अम्मी इसके साथ जो आलू और चने की तरकारी बनाती हैं वो भी बहुत यम्मी होती है। तो पूरियाँ बन गई थी और हम लोगों ने साथ ही साथ गर्मा गर्म पूरियाँ सब ने साथ मिलकर खाई, क्योंकि छुट्टी का दिन था, सभी घर पे थे तो सब ने साथ मिलकर जो है ये हलवा पूरी का नाश्ता एंजॉय किया। हलवा पूरी बार बार कह रही हूँ क्योंकि हलवा मिसिंग था एंड लुक एट दिस, हाउ यम्मी दिस तरकारी लुक्स, और ये पूरियाँ इतनी मज़ेदार कि मैं क्या बताऊँ आपको। और यहाँ मैं अपना निवाला बनाते हुए, मेरे हाथ को इग्नोर कीजिएगा और निवाले को गौर से देखिएगा, बहुत मज़ेदार ये पूरियाँ बनी थी। और मैंने उसके बाद अपना नाश्ता इंजॉय किया, नाश्ता इंजॉय करने के बाद हम चले गए थे छत पर। ना घूमने का इतना कोई शौक़ है ना कि मुझे कोई कितनी भी बार घुमा ले मैं घूम जाऊँ मतलब घूमने निकल जाऊँ। तो पहाड़ों पर धुंध नज़र आ रही है आप लोगों को, यस बिल्कुल भी नारायण कागान के पहाड़ नहीं है, कसम ले लो ये खटी पहाड़ी है। लेकिन मैं आ रही थी ना तो मैंने शायद पहली बार इस तरह की धुंध देखी है, मुझे इतनी अच्छी लग रही थी, बहुत ही अच्छा। कैमरे में ना इतनी ज़्यादा नहीं आ रही होगी, लेट मी शो यू सी पहाड़ पे कितनी धुंध है ना, इतना खूबसूरत मौसम हो रहा है यार, मेरा दिल चाह रहा है सीरियसली फ्रेंड्स कि ये ना मौसम थम जाए ऐसे ही और गर्मियाँ ना आए, लेकिन गर्मी आना भी ज़रूरी है ना। तो मौसम बेइंतहा सीन हो रहा है। हम आ गए थे यहाँ पर, हलवा पूरी नहीं, हमने पूरी तरकारी खाया और अब हम शाम में चाय पियेंगे और फिर घर वापस जाएंगे। टंटा, आप लोग कैसे इंजॉय कर रहे हो ये मौसम? लाइट गई हुई है, जनरेटर की आवाज़ आप लोगों को भरपूर तरीके से आ रही होगी,
और हम सब छत पे, अब दोबारा बारिश होगी, इसके खास फिलहाल थोड़ी देर के लिए रुकी। और फिर हम छत से नीचे आ गए थे, बनाई गर्मा गर्म चाय और साथ में थे गर्मा गर्म समोसे, और समोसे का क्लिप रिकॉर्ड नहीं कर सकी क्योंकि मौसम हो रहा है ठंडा, और ठंडक में हर चीज़ बहुत तेज़ी में ठंडी हो रही थी, तो सब ने बहुत जल्दी अपने ना समोसे उठा लिए थे और मैं वो क्लिप शॉट जो है वो रिकॉर्ड नहीं कर सकी। चलें, खैर हो गई, आप लोग के चाय का क्लिप इंजॉय करें, कितना हसीन लग रहा है ना ये बारिश की जो गिरती हुई बूंदें होती है ना, इनका क्लिप जो स्लोमो में आता है ना, आए हाय क्या ही मज़े हैं उसके। ये सिर्फ वो इंसान जानता है जिसको कैप्चर चीज़ें करना बहुत ज़्यादा पसंद हो, जैसे मुझे बहुत पसंद है बारिश की गिरती हुई बूंदें हों, पत्तों के ऊपर छोटी छोटी सी बूंदें हों वो रिकॉर्ड करूँ, फ्लावर्स के ऊपर जो स्पॉट्स होते हैं छोटे छोटे पानी के, मतलब जो व्यूज़ होते हैं उनको कैप्चर करने का मुझे आए हाय इतना शौक है। एंड जस्ट लुक एट दिस, जो उड़ रही है ना चीतें, वो मुझे पता है कि मुझे कितनी अच्छी और कितनी खूबसूरत लग रही थी। अच्छा, मौसम जो है ना उसको इंजॉय करने का भी अपना ही एक मज़ा होता है, और ये आपके अंदर की फीलिंग्स होती हैं जो आपने पूरी भरपूर तरीके से इंजॉय करनी होती है। कुछ लोग बहुत डल होते हैं, डाउन होते हैं, लेकिन खैर अपनी अपनी मर्जी होती है। मेरे अंदर ये चीज़ है कि मैं हर चीज़ को भरपूर तरीके से इंजॉय करती हूँ, क्योंकि मज़ा ना लिया तो फिर क्या जिया। तो इसके बाद मैंने चाय पी, और चूँकि कराची में बारिश हो और लाइट ना जाए तो ये मुमकिन नहीं है, इस रिकॉर्डिंग के बाद लाइट चली गई थी और मैं फिर मज़ीद कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर सकी। और यहाँ वॉइस ओवर इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि पीछे इतने सब ये लोग गपशप कर रहे थे कि मैं अपनी क्या आप लोगों को सुना दी। तो आप लोग ये चाय को देख के इंजॉय करें, और इसको देखने के बाद ना आप सबका भी चाय पीने का बिल्कुल दिल करने लगेगा। और हम बारिश को इंजॉय करके, सारे मज़े लेकर, पूरी तरकारी खाकर, सब करके घर वापस आ गए थे। वहाँ लाइट चली गई थी, एज़ यूजुअल कराची में बारिश हो और लाइट ना जाए ये तो नामुमकिनात में से है। तो जनाब मैंने वहाँ से फिर वापसी की, मज़ीद कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, छोटा सा आज मैंने अपना बारिश का जो व्लॉग था वो शूट किया, और अब मैं घर आकर लिहाफ में बैठ के अपनी कॉफ़ी इंजॉय कर रही हूँ। आई होप कि आप सब ने भी आज का दिन खूब इंजॉय किया होगा मेरी तरह, मैंने तो बहुत इंजॉय किया, फुल मज़े लिए सर्दी की इस बारिश के, और अब मैं लिहाफ में बैठ के मज़ीद इंजॉय कर रही हूँ सर्दी को। आई होप कि व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, छोटा सा मैंने आज का ये रिकॉर्ड किया था। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि मेरी नया आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। हर बार कहती हूँ, बड़ों को इज्जत दें और छोटों को प्यार दें, मुझे हमेशा अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखेंगे। दोबारा मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, टिल देन अल्लाह हाफिज़।